हे गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड बेक विद रश्मि। तो चलिए, फेस्टिव सीजन की एक और हम हेल्दी सी रेसिपी आज बनाने जाने वाले हैं, जो कि टोटली शुगर फ्री है। सो जो डायबिटिक पेशेंट है और जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये बनती भी बहुत क्विक है, और जो बाजार में अगर हम लेने जाए तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव रहती है, और घर पे ये काफी मिनिमम बजट में बन जाती है। तो चलिए फिर बनाना शुरुआत करते हैं हमारी शुगर फ्री खजूर ड्राई फ्रूट रोल। सो हमारा खजूर ड्राई फ्रूट रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे मैंने ले लिए हैं पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस, जो कि है 100 ग्राम। इसे हमें लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। इसे रोस्ट करना अच्छे से बहुत जरूरी है, अदरवाइज जब हम लास्ट में इसको रोल करेंगे हमारा खजूर रोल इसमें, तो जो कच्चेपन का जो टेस्ट रहेगा वो मजा किरकिरा कर देगा। सो इसे हमें लो फ्लेम पे ही अच्छी तरीके से, जब तक इसकी धीमी धीमी सी खुशबू ना आना शुरू हो, तब तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और इसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, और बस अभी हमें इसे साइड में रख लेना है। सेकेंडली हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैंने ले लिए है खजूर 500 ग्राम। सो ये जो खजूर है ये सॉफ्ट मैंने लिए हुए है। आप जितने अच्छे क्वालिटी के लेंगे उतना ही आपका खजूर रोल अच्छा बनेगा। और इसके जो सीड्स है वो मैंने पूरी तरीके से निकाल लिए है, आप सीडलेस भी ले सकते हैं। सो इसे अभी हम ग्राइंड कर लेंगे, इसे 1 पल्स में हम करते करते अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जितना हो सके। आप ये एक पीस में अदरवाइज 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हो। सो चलिए, जब तक हम ग्राइंड कर लेते हैं तब तक सेकेंड साइड में सेम पैन में मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून इतना घी हमें डाल लेना है। और घी डालने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिए है कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो कि है पिस्ता, काजू और बादाम। सो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अराउंड यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया हुआ है, 4 टेबलस्पून मैंने बादाम और काजू ले लिए हैं, और इसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिए हैं। और इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, अदरवाइज जो इसका टेक्सचर और कलर रहता है ड्राई फ्रूट्स का वो चेंज हो जाएगा, और हमें इसे हेजिटीज ही रखती हैं। तो जब हम घी में फ्राई करते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा टेस्ट इन्हांस हो जाता है इसमें। सो एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद अभी हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे, और जो फ्लेम है वो हमें थ्रू आउट दी फुल रेसिपी हमें स्लो ही रखनी है, हमें बिल्कुल भी हाई इस पे नहीं पकाना है कुछ भी। सो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने साइड में अभी रख लिए हैं, और अभी सेम पैन में हम डालेंगे जो हमारा डेट हमने ग्राइंड कर लिया है। सो डालने से पहले हम यहाँ पे 2 स्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। फ्लेम अभी भी जो है वो मैंने स्लो पे ही रखी हुई है, और अभी हम हमारा जो डेट का पेस्ट है वो इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते करते, जब तक ये पेस्ट सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। ये अराउंड 5 से 6 मिनट्स के अंदर ही अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेस्ट है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, कढ़ाई अभी वो छोड़ने लग गया है पेस्ट। सो इस मोमेंट पे जो है हमारे ड्राई फ्रूट्स वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरीके से मर्ज कर लेंगे हमारी पेस्ट के साथ। बस हमें अभी उसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। बस एक बार अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मर्ज हो जाए हमें इधर तलक ही चाहिए। सो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और फ्लेम जो है वो स्विच ऑफ कर लेंगे। सो यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ मैं, जो ड्राई फ्रूट्स है आप आपके पसंद के कोई भी ले सकते हैं, और जो उसका रेशियो है वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ड्राई फ्रूट कितना डालना है। सो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल के इसे 10 मिनट्स के लिए हम रेस्ट करने देंगे, या फिर जितने हम इसकी जो हीटनेस है वो सहन कर सके। हमें इसे बिल्कुल कूल डाउन नहीं करना है टोटली। और 10 मिनट हो चुके हैं, अभी मैंने यहाँ पे मेरे पाम पे थोड़ा सा घी ले लिया है हल्का सा, और अभी हम इसे एक डो की तरह पहले से अच्छे से पून लेंगे हल्के हाथ से, और फिर इसे मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
आप चाहिए तो इसके 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं। कम्प्लीटली आपके ऊपर चॉइस है कि आप कितने इसके रोल बनाना चाहते हो। सो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं और इसे हल्के हाथ से मैंने पहले एक रोल का शेप दे दिया है और अभी एक फ्लैट सरफेस पे इसे हमें इस तरीके से रोल करते जाना है। हल्के हाथ ही रखना है, बिल्कुल भी हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है इस पे। और देखिए ये कितना इजीली रोल में आ चुका है शेप में। इसी तरीके से हम सेकेंड भी रोल कर लेंगे। और अगर आप रोल ना भी करना चाहो तो आप इस स्टेज पे आप इसके लाइक लड्डू भी बना सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप कौन से फॉर्म में इसको खाना चाहते हो। सो यहाँ पे मैं रोल अभी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे रोल शेप में रखा हुआ है। सो देखिए जो सेकंड वाला है वो भी हो चुका है मेरा। और इसके बाद अभी हमारे जो पॉपी सीड्स थे रोस्टेड, वो मैंने ले लिए है प्लेट। और बस हमें जो हमारा रोल है वो इसमें रोल डाउन कर लेना है। बहुत ही इजी सा स्टेप है। और इसमें मैंने थोड़े से पिस्ते डाल लिए हैं, जिसके जो हम रोल करेंगे तो टेक्सचर इसका बहुत अच्छा लगता है ऊपर से पिस्ता दिखने में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज टोटली योर कॉल। और अगर इस मोमेंट पे जो खसखस है वो अगर रोल पे ना चिपक रही हो तो बस इसको थोड़ा सा हल्का सा घी का हाथ लगा देना, ये इजीली चिपक जाएगी। तो देखिए ये जो फर्स्ट रोल है वो रेडी हो चुका है, इसे अभी हम साइड में रख लेंगे प्लेट में। और एज इट इज सेकेंड रोल भी हम इसे रोल डाउन कर लेंगे। ये खजूर रोल जो है ये काफी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है, क्योंकि इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो सारी हमारे जो हेल्थ के लिए वो काफी बेनिफिशियल है। सो आप देख सकते हैं जो 2 रोल है वो रेडी हो चुके हैं। अभी हमें इसे एसी रूम में रखना है, अदरवाइज 30 मिनट्स हमें इसे फ्रिज में रखना है, मगर इसके पहले हम इसे क्लीन रैप में रैप कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक क्लीन रैप लिया हुआ है, इसमें मैं इसे रैप कर लूंगी, जिससे कि जो हमारे पॉपी सीड्स है वो अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगे और जो हमारा रोल है वो भी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। सो ये अभी फर्स्ट रोल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और अभी सेकेंड को भी हम सेम तरीके से रैप कर लेंगे और बस अच्छे तरीके से टाइटली हम इसे रब करके बांध लेंगे अच्छे से। और अभी हम इसे हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख लेंगे सेट होने। तो चलिए अभी 30 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा जो रोल है वो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, बस अभी टाइम टू कट। सो यहाँ पे हमारे जो रोल है वो भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन रैप निकाला नहीं है, मैं जस्ट इसी तरीके से कट करते जा रही हूँ, खुद ब खुद ही जो इसका ऊपर का क्लीन रैप है वो निकलते जाएगा। सो हमें जितना भी अमाउंट में, थिक अमाउंट में या थीन चाहिए हम इसे कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है और कितना यम लग रहा है ये। और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता इसमें कि शुगर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खजूर के वैसे इतना स्वीट रहता है। सो जो हमारी क्रेविंग्स रहती है स्वीटनेस की वो भी ये फुलफिल कर देता है। तो चलिए इस दिवाली ज़रूर बनाइए इसे और विदाउट एनी रिग्रेट खाइए, क्योंकि ये बिल्कुल शुगर फ्री है। और एंजॉय कीजिए इसे, और आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में आराम से 1 से 1.5 महीने तक, या फिर ये बाहर भी अच्छी तरीके से रह जाता है अगर आप कोई भी एयर टाइट डब्बे में रखते हैं, तो ये आराम से 2 से 3 वीक तक अच्छे से रह जाता है। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।